नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयास बाई विनोद में। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे जो बायो एंजाइम हम लोग बनाते हैं तो उसके कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। मतलब बायो एंजाइम बनाने से पहले कुछ विशेष चीज़ें आप ज़रूर जान लें। उन विशेष चीज़ों में है मित्रों कि जो उसमें सामग्री लगेगी, जो हमारा बायो प्रोडक्ट होगा, मतलब हमारे जो किचन, हमारे रसोई की जो सब्जियां होंगी, सब्जियों के छिकले होंगे, फलों के छिकले होंगे, जो भी हम लोग घर में सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, फलों में इस्तेमाल करते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा उन्हीं से हम लोग बायो एंजाइम बनाते हैं। और उसमें कुछ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी हम मटेरियल लें, जो हम रॉ मटेरियल लें, मतलब कच्चा मटेरियल जो हम लेंगे, वो चाहे फलों के छिकले हों या सब्जियों के छिकले हों, उसमें से ध्यान ये दीजिए कि उसमें से कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल सड़ा हुआ ना हो, थोड़ा सा भी कहीं से सड़ा हुआ ना हो। इससे क्या होता है, पूरे मटेरियल में इन्फेक्शन सा फैल जाता है। तो ये सड़ा हुआ ना हो, और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसको आप अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें, उसमें धूल मिट्टी के कण भी बिल्कुल ना रहें। ये हुआ पहली बात कि पूरा मटेरियल साफ़ सुथरा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब आपका वेस्ट हो लेकिन सड़ा ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो हम पानी लेंगे वो मिनरल वाटर नहीं होना चाहिए, किसी कंपनी का, आरओ का कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। वो आपके हैंडपम्प का साधारण और प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध पानी की ज़रूरत होती है। उसमें कोई भी आरओ का पानी नहीं चलेगा, क्योंकि आरओ मतलब कोई 100% शुद्ध नहीं होता है। आरओ में से पानी को फिल्टर किया जाता है और उसके सारे मिनरल्स घटक ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग साधारण पानी लेंगे। और उसके बाद जो हम लोग गुड़ लेते हैं मित्रों, जो हम लोग गुड़ लेते हैं उसके लिए हम प्राथमिकता ये दें कि देसी गुड़ हो। ये जो हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पीले डले का होता है, बड़ा सा एकदम पीला होता है, वो ना हो तो बेहतर है। अब ना मिलने की कंडीशन में तो फिर चलेगा वो, लेकिन अगर उपलब्ध है तो देसी गुड़, बड़ा सा डला होगा उसका, और थोड़ा सा काले कलर का, हल्का सा ब्राउन कलर का होगा, और उसमें दाने दाने, आप जब गुड़ को देखेंगे तो उसमें दाने दाने बिल्कुल छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें दाने दाने हैं। ये होता है देसी गुड़। देसी गुड़ की व्यवस्था हो जाए तो आप देसी गुड़ से बनाइएगा। और उसके बाद जिस डिब्बे में आपको बनाना है, जिस बॉटल में आपको बनाना है, वो पूरी तरह से एयर टाइट होना चाहिए, एयर प्रूफ होना चाहिए। उसकी ना हवा बाहर निकले, ना बाहर से कोई हवा उसमें अंदर जाए। ऐसा डिब्बा आपको लेना चाहिए, ऐसा बॉटल आपको लेना चाहिए, और वो भी मज़बूत। क्योंकि मित्रों, बायो एंजाइम बनाने में गैस रिलीज होती है। हमारे सारे रॉ मटेरियल से गैस जब सारे मिक्स करके हम बॉटल में डाल देते हैं तो उसमें गैस रिलीज होती है, और उससे बॉटल फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग बताते हैं कि 24 घंटे में हम लोगों को उसमें से गैस निकालना ही निकालना है। तो बॉटल भी आपका मजबूत होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आपको दिखाते हैं ये, और सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी बॉटल में बायो एंजाइम बनाएं तो यहाँ पे डेट अवश्य डालें। डेट से मित्रों ये रहता है कि हमें पता होता है कि हमारा 90 दिन पूरा हो गया कि नहीं, क्योंकि हमें 90 दिन के बाद बायो एंजाइम हमारा तैयार हो जाता है और इसे हमें निकालना होता है। तो ये देखिए, हमने बनाया हुआ है ये गेंदा के पंखुड़ियाँ जो होती हैं, केवल गेंदा की पंखुड़ियों को बनाया हुआ ये बायो एंजाइम। और आपको हम दूसरा भी दिखाते हैं। दूसरा देखिए, ये इसमें भी मैंने डेट डाल के रखी हुई है जिससे पता चले कि इसका 90 दिन हुआ भी कि नहीं हुआ। ये देखिए, ये जो है फ्रूट, जितने भी फल हैं उनके छिकले हैं, उसमें संतरा हुआ, सेब हुआ, मौसमी हुआ, अनानास हुआ, ये सारे फलों के इसमें छिकले हैं, उससे ये बनाया गया है। अब इसमें डेट जब डाल देते हैं हम लोग तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि 90 दिन हम लोगों का पूरा हुआ कि नहीं। तो मित्रों, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा काम करती हैं मित्रों। इसको आप बायो एंजाइम बनाने के लिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, 24 घंटे के अंदर आपको इसके बॉटली का ढक्कन आपको ऐसे
खोलना जरूर है, आपको उसमें गैस निकलने की आवाज़ आएगी। उसके बाद फिर पूरी टाइट करके आपको रख देना है। 90 दिन जब पूरा होगा तो उसके बाद मित्रों आपको हम इसके ढेर सारे चमत्कारी प्रयोग भी बताएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बायो एंजाइम की बॉटल तैयार रखिए और अपने घर पे 90 दिन के लिए इंतजार करिए। और हाँ मित्रों, इसको धूप में भी नहीं रखना है, ये छाया में नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल जगह पे ही रहेगा। तो दोस्तों हमारे साथ बनाइए बायो एंजाइम, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारे नए मित्र हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे पुनः अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो बूस्ट होता है और ये जानकारी अनेकों लोगों तक पहुंचती है, जिससे ढेर सारे लोग इस जानकारी का फायदा उठाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों संग शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।